नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहू शिलोंग में जुलाई 2025 से कोरियन लैंग्वेज कोर्सेज शुरू कर रही है, जो कि लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। ये इनिशिएटिव साउथ कोरिया के इंडो कोरियन बिजनेस कल्चर सेंटर यानी KBCC के साथ पार्टनरशिप के जरिए हो रहा है, जिसका एम है दोनों देशों के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल इंटर्नशिप और करियर अपॉर्चुनिटीज बनाना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जूनियर। इसके साथ दर्शकों, आपको बता दें कि MOU साइन सेरेमनी में नेहू के वाइस चांसलर प्रोफेसर शुक्ला ने बताया कि इस पार्टनरशिप से इंडिया और कोरिया के बीच टाइज मजबूत होंगे और स्टूडेंट्स को ईस्ट एशियन कल्चर का एक्सपोजर मिलेगा। ये कल्चरल एक्सचेंज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ आपको बता दें कि कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसके लिए प्रोफेसर स्ट्रीमित खार और डॉक्टर सारालीन ए है और लिंगदो ये कोर्सेज कोऑर्डिनेट करेंगे, जो स्टूडेंट्स को उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। ये इनिशिएटिव सिर्फ लैंग्वेज सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्टूडेंट्स को कोरियन कल्चर को समझने और उसके साथ साथ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने का भी मौका मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि कोरियन लैंग्वेज कोर्सेज के तहत एक की प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसमें एक मल्टीलिंगुअल खासी हिंदी कोरियन इंग्लिश डिक्शनरी का विकास होगा। ये डिक्शनरी न सिर्फ लैंग्वेज लर्नर्स के लिए उपयोगी होगी, बल्कि ये रिसर्च और कल्चरल एक्सचेंज को भी फैसिलिटेट करेगी। इस एग्रीमेंट में फैकल्टी एक्सचेंजेस का प्लान भी है, जिसमें कोरियन इंस्टीट्यूशंस खासी और हिंदी लैंग्वेज प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे। ये सब कुछ स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो दोनों देशों के बीच लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स को कम करने में मदद करेगी। इसके साथ दर्शकों, आपको स्टूडेंट्स के लिए इसका महत्व बताएंगे। ये कोर्सेस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा जो कोरियन कल्चर में इंटरेस्टेड है, जैसे कि कोरियन ड्रामास, K-pop और कोरियन कॉस्मेटिक्स। आजकल के यंग जनरेशन में इन चीजों की काफी क्रेज है और ये उनके लिए एक पैशन भी बन गया है। इससे उन्हें ईस्ट एशियन कल्चर को एक्सपोजर मिलेगा और करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। ये कोर्सेज उनके लैंग्वेज स्किल्स के साथ साथ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करने का मौका देंगे। अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स जो इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस नए इनिशिएटिव से स्टूडेंट्स को ग्लोबल पर्सपेक्टिव और कंपेटिटिव एज मिलेगा, जो उनकी करियर जर्नी को और भी एनरिच करेगा। कोरियन लैंग्वेज सीखने से उन्हें इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स में बेहतर पोजीशनिंग मिलेगी, क्योंकि आजकल बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस कोरियन स्पीकिंग प्रोफेशनल्स को तलाश कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये नेहू को अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि कई लोग कोरियन लैंग्वेज सीखने और करियर में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। इस इनिशिएटिव से ये यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बल्कि कल्चरल एनरिचमेंट के लिए भी जाना जाएगा। ये स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगी कि वो कोरियन कल्चर की तरफ और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो और उनके लिए नए एवेन्यूज खुले। ओवरऑल ये प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, जिससे उनके एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज का होराइजन एक्सपांड होगा। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।